Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, dear students, assalamu alaikum. My name is Dr. Mohammad Usman Javed. I will be teaching you the new subject, its name is Weave Design Studio 1. Today is the first lecture, and today I will give you uh, an introduction about our course about weaving, and we will discuss some about weave design. What is weave design? What is weaving? So, let's get started. Uh, in this course we will be studying uh, various topics uh, i have listed some of the topics here so you will see in this subject uh, what are woven fabrics and how they are different from other fabrics so we will uh, dedicate uh, some part of our time to see how woven fabrics are different from other fabrics and what is the uniqueness about woven fabrics um, वोवन फैब्रिक्स और अदर इसके अलावा जो कपड़े होते हैं दोनों के दरम्यान में जो डिफरेंस है वो समझने की कोशिश करेंगे ये कुछ टाइम हम इस पर खर्च करेंगे फिर हम देखेंगे कि डिफरेंट तरह के फैब्रिक्स वोवन फैब्रिक्स के ए, में कौन कौन सी टाइप्स होते हैं किस किस तरह से वोवन फैब्रिक्स बनाए जाते हैं वोन फैब्रिक्स कौन कौन सी टाइप्स होती हैं डिफरेंट तरह के वोन फैब्रिक्स के बारे में जानेंगे हम इस सब्जेक्ट में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वोवन फैब्रिक की जो टेक्नोलॉजी है जो प्रोसेस है वीविंग का वो क्या है फैब्रिक वोवन फैब्रिक कैसे मैनुफेक्चर किए जाते हैं और कौन कौन से स्टेप्स इनके अंदर इन्वॉल्व होते हैं देन वी विल सी वट इज़ वी डिज़ाइन की बेसिक्स के उनके बारे में बात करेंगे कि हमें व्यव डिज़ाइन बनाने के लिए कौन कौन सी बुनियादी चीज़ें चाहिए होती हैं और हम इसके बारे में आ, डिटेल से हमारा मेजर एम्फसाइज है पूरे सब, सब्जेक्ट में वो बेसिक वीव्स होगा लेकिन इसके साथ साथ हम लोग लाइट जो उसके मालूम हैं वो भी हम लोग समझेंगे हम लोग वीव डिज़ाइनिंग के साथ साथ ये भी समझेंगे कि डिज़ाइन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग और इसके रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से होते हैं और हम लोग इसके बारे में डिटेल से जानेंगे फिर हम लोग जो बुनियादी वीव्स हैं जैसे प्लेन ट्वेल्थ सॉटन और इनके डरिवेटिव जो हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे सब्जेक्ट में फिर हम लोग ये जानेंगे कि जो हमारी हैंडलूम होती है हैंड, लूम, हैंड वीविंग मशीन होती है हैंडलूम होती है वीविंग के लिए वो कैसे काम करती है और हैंडलूम वीविंग से के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं और हम लोग कपड़ा कैसे बना सकते हैं उसके उससे इसके ओर हम डिटेल से देखेंगे और हम लोग लैब में हाथ से कपड़ा भी बनाएंगे जो कमर्शियली अवेलेबल डिफरेंट वीम्स डिफरेंट वीविंग मशीन होती हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत हम मालूम इसमें पर सब्जेक्ट पर पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर वीविंग मशीन कौन कौन सी होती हैं और जो डिफरेंसेस हैं हमारे हैंडलूम के और जो कमर्शियली अवेलेबल मशीन होती हैं उनके बारे में हम लोग जो चीदा चीदा बातें हैं वो भी करेंगे आ, हम लोग बेसिक वीव्स के कुछ डिटेल में स्टडी करेंगे जिसमें हम उनके डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे तो हम लोग ये भी जानेंगे कि जो कमर्शियल नेम्स हैं डिफरेंट फैब्रिक्स के वो कौन कौन से हैं और हम लोग इनके बारे में जो डिज़ाइनिंग और कमर्शियल नेम फैब्रिक्स के वो भी जानेंगे तो आइए चलिए हम लोग आज के इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं पहले हम लोग बात करते हैं कि कुरान पार्क में हमारे लिबास के बारे में या टेक्सटाइल्स के बारे में क्या ज़िक्र किया गया तो है तो आप बिल्लम शेत रहीम कुरान पाक की इक्कीस नंबर सूरत में अस्सीवीं आयत में ये लिखा हुआ है एक आयत का ये हिस्सा है जिससे मतलब है कि एंड वी टॉट हिम टू मेक गारमेंट्स बुनियादी तौर पे तो जो कॉन्टेक्स्ट है वो प्रोटेक्टिव गारमेंट्स का वहाँ हो रहा है लेकिन हम लोग इस आयत के हिस्से से ये भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ये बात इंसान से कह रहे हैं कि उनको अल्लाह ताला ने इंसान को गारमेंट्स बनाने का तरीका सिखाया है तो इसके आगे एक और जगह पे एक रेफरेंस है लिबास के बारे में जिसमें अल्लाह ताला आ, कुरान पाक की सूरत नंबर सात में छब्बीसवीं आयत में जिक्र होता है तो इस आयत का तजबा कुछ इस तरह बनता है कि ओ चिल्ड्रन ऑफ एडम वी हैव वेस्टवर्ड अपॉन यू क्लोदिंग टू कंसील योर प्राइवेट पार्टस एंड एज अ डवर्टमेंट बट दी क्लोदिंग ऑफ आई टी दैट इज़ बेस्ट तो अल्लाह ताली इस आयत में हमें इंसान को ये कह रहे हैं कि अल्लाह तला ने हमें लिबास की तरफ हमारी तोजुम मबजूल करवाई है कि अल्लाह ताली ने हमें लिबास की नमत से नवाजा है जिससे हम अपने जिसम के ज़रूरी हिस्से ढाँप सकते हैं और दूसरा इसका मकसद ये बताया कि हम लिबास से अपनी सजावट अपनी ज़ाहरी खदोखाल को जो इजहार है उसको कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन आखिर में अल्लाह तला ने मशवरा दिया है कि सबसे बेस्ट लिबास ये है कि इंसान अल्लाह ताला का खौफ उसका तकवा इख्तियार करे तो ये कॉन्टेक्स था हमारा कुरान पाक से आइए हम थोड़ा सा हिस्ट्री से देखते हैं कि टेक्सटाइल्स के बारे में या विविंग के बारे में क्या मालूम है अगर हम लोग आ, वीविंग की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो हमें दो तरह की हिस्ट्री मिलेगी एक जनरल हिस्ट्री है जो टेक्सटाइल्स के बारे में जिसमें जनरल टेक्सटाइल्स जो हैं उसके बारे में बात करेंगे और फिर हम स्पेसिफिकली वीविंग के बारे में बात करेंगे तो अगर हम गौर करें तो हमें हिस्ट्री में मिलता है कि जो सबसे पहला इस्तेमाल था टेक्सटाइल्स का वो एज़ ए फाइबर के तौर पर जो फेल्टिंग टेक्निक होती है यानी कि आप फाइबर को किसी और तरीके से आ, एक्स्ट्र, एक्स्ट्रा बाइंडिंग मेथड इस्तेमाल नहीं करते सिर्फ फ़ाइबर्स का एक गुच्छा या फाइबर्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं तो इंसान की इस इस्तेमाल को तकरीबन आठ से चौंतीस हज़ार साल पहले पाया गया है कि उसकी क्लोथिंग का हिस्सा जो है वो फ़ाइबर्स थे और फ़ाइबर्स उन्होंने अपने क्लोथिंग के पार्ट बनाए और अगर इससे आगे वाली तारीख में देखें हम लोग तकरीबन आठ से दस हज़ार साल पहले नौ से दस हज़ार साल पहले इस चीज़ के शुहार मिलते हैं कि इंसान ने जो झाड़ियाँ हैं घास फूस है उसको अपने जो वेयर वेरेबल गारमेंट्स हैं या जो फुटवेयर्स हैं, जूतों के तौर पर इस्तेमाल किया तो झाड़ियों से बने हुए शरब या झाड़ियों से बने हुए जूते तारीख में मिले हैं जो इंसान पहनने के लिए इस्तेमाल करता रहा इससे ज़रा बेहतर तारीख में जबकि इंसान थोड़ा सा मॉडर्न हो गया था तो तकरीबन पाँच हज़ार साल पहले हमें जो पुरानी तरीन गारमेंट्स मिलते हैं मैनी कि ऐसा कपड़ा जो कि काट के और पहनने के लिए इस्तेमाल किया गया हो इसके शवाद हमें पाँच हज़ार हज़ार साल पहले मिलते हैं ये एक ख़ातून का लिबास तस्वीर में दिखाया गया तो इस ये इजिप्शन इराक है मिस्र के जो बादशाह थे फ़िरौन फ़िरौन के ज़माने की ये आ, हमें ये से मिलते हैं इनकी शवाहद तो ये ख़ातून का लिबास है जिसे हमने काट के और बॉडी के मुताबिक बनाया गया है तो दिस इज़ ओल्डेस्ट नोन ये फाइव थाउजेंड ईर हमें इसके सबूत मिलते हैं आ, इसी तरह से एक आ, पैंट मर्दाना पैंट का या पजामे का सबूत हमें चाइनीज़ टॉम से मिलता है जो तकरीबन तीन हज़ार साल पहले है ट्राउज़र की फॉर्म में तो दिखने में ये आजकल का मॉडर्न ट्राउज़र की तरह है लेकिन इसका जो मटेरियल है और इसकी जो बनावट है वो इसके तारखी होने पर सबूत है और ये वूल से बनाया गया है तो इस तरह का मटेरियल का हमें सबूत मिलते हैं तो इंसान की तारीख को अगर देखा जाए तो टेक्सटाइल उतने ही पुराने जितने कि इंसान की तारीख पुरानी है इंसान ने अपने जिसम ढांपने को जैसे जैसे उसकी शाऊर बढ़ा तो जिसम ढांपने का आ, के शवाद हमें जो वो घास भूस से हो या नेचुरल अवेलेबल रिसोर्सिस को ढाल कर कपड़े की फार्म में बदलने के बाद लिबास के तौर पर इस्तेमाल करने के शवाह हमें तारीख में मिलते हैं तो आइए अब बात करते हैं वीविंग की तो जो वन फैब्रिक हैं इसकी इसका प्रॉपर इस्तेमाल जिसमें आ, फैब्रिक को धा, धागे से पहले स्पिन करके और फिर उसको वीविंग करके और कपड़े को सी के पहनने का जो अमल है इसके शाहद अगर हम गौर करें तो हमें तकरीबन ये पाँच हज़ार साल पहले आ, मिलते हैं जब जो, जो कि अगेन आ, ये इजिप्शन इरा में है फिरौन के इरा में और इसमें हमें ज़्यादातर इस्तेमाल जो है वो कॉटन की बजाय लिनन मटेरियल का नज़र आता है लिनन से बने हुए लिनन ख़ास तरह का फाइबर होता है जो कि एक पौधे से हासिल किया जाता है जिसे फ्लैक्स कहते हैं तो फ्लैक्स प्लांट से के तने से हासिल होने वाले जो फाइबर्स हैं उनसे बनाए हुए कपड़े जो हैं वो हमें इजिप्शन लीरा में मिलते हैं जो इजिप्शन पीपल थे वो आ, स्पिनिंग वीविंग और कपड़े के सीने की टेक्निक से आगा थे और वो प्रॉपर उनका एक खास तरह का कॉस्ट्यूम था जो कि वो बनाकर पहनते थे जनरली जो है वो आमतौर पर ये कलर नहीं करते थे कपड़े को एज ग्रे फॉर्म में इस्तेमाल करते थे और अगर कलर करना होता तो प्लांट डाइज जो है वो इस्तेमाल किया करते थे तो लिनन फैब्रिक की एक एग्ज़ाम्पल यहाँ आपको नज़र आ रही कुछ इस तरह का कपड़ा ये इस्तेमाल करते थे लिनन का इस्तेमाल जब एक नेशन ख़त्म हो गई दूसरी नेशन स्टार्ट हुई जैसे रोमन् तो ये इजप्शन से रोमन् में ट्रांसफ़र हुआ नॉलेज लिनन का तो लिनन को एज़ ए फैब्रिक के तौर पर गारमेंट्स के तौर पर रोमन में बड़ा फेमस इस्तेमाल है ये आप कॉस्ट्यूम देख सकते हैं इन दोनों के मरदाना और जनाना कॉस्ट्यूम देख सकते हैं हम तो आपको बड़े वाजे होगा यहाँ पर कि वो जिसम को अच्छी तरह ठापते थे और कपड़े का बहुत ज़रा सही तरीके से इस्तेमाल करते थे आ, इनकी खास बात यह है कि इन्होंने ना सिर्फ कपड़े को बाहरी ज़ाहरी इस्तेमाल के लिए यूज़ किया बल्कि इन्होंने अपने जो नीचे से पहनने वाले कपड़े हैं जिसे अंडर गारमेंट्स कहते हैं वो भी इनके यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस थे और यहाँ तक कि ये लिनन का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते थे कि लिंगरीज जो वर्ड है जो कि अंडर गारमेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है इंग्लिश में वो भी लिनन की ही एक ड्राइव्ड फॉर्म है तो लिनन का इस्तेमाल इनके यहाँ होता था और अंडर गारमेंट के तौर पर होता था रोमन्स में तो ये भी यहाँ से इसके शौहद मिलते हैं यहाँ नीचे ये जो अंडर गारमेंट्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कपड़ा ये कुछ इस तरह से इस्तेमाल करते थे आप डिपिक्शन देख सकते हैं कि किस तरह से ये अपने प्राइवेट पार्ट्स को हाइड करते थे आ, एक ख़ास तरीके से कपड़े को बांधते थे तो बैरूनी तौर पर जो अपने जिसम को इस तरह से ढांपते थे तो ये एक एग्ज़ैम्पल है कि जो वुमन फैब्रिक्स हैं वो आ, पुरानी तारीख में जो रिलेटिवली सिविलाइज्ड तारीख़ है इंसान की उसमें कैसे इस्तेमाल किए जाते थे अब हम आ, लोकल अपने इस रीजन की बात करते हैं, तो अगर हम लोग कॉटन का इस्तेमाल देखें कॉटन जो है वो उसके जो ओल्डेस्ट नोन शवाहिद हैं जिसमें आ, किसी न किसी फॉर्म में धागे का इस्तेमाल या कपड़े का इस्तेमाल किया गया कॉटन के फैब्रिक के तौर पर वो आठ हज़ार साल पहले पीरू में एक जगह है आ, साउथ अमेरिका में तो वहाँ इसका इस्तेमाल मिलता है हमें और कॉटन को एज ए फैब्रिक के तौर पर इस्तेमाल किया गया था तो यकी उस वक़्त लोग कॉटन की अहमियत से आगा थे और वही जानते थे इसे कैसे इस्तेमाल करना है बर सगैर में या इंडियन सब कॉन्टीनेंट में इसका इस्तेमाल जो कि शवाहद जो मिले हैं वो तकरीबन सात हज़ार साल पुराने हैं रिसेंटली ये शवाहिद जो है मेहरगढ़ ये पाकिस्तान में एक जगह है जहाँ से ये दरियाफ्त हुए हैं यहाँ से मालूम पड़ता है कि यह सात हज़ार साल पहले भी कॉटन यहाँ पर कल्टीवेट की जाती थी जो इंडस्ट्रियल इस्तेमाल है या मोरसिवलाइज इस्तेमाल है इसका उसके शवाहद यहाँ पर इंडिया में पाँच हज़ार साल से पहले मिलते हैं हमें जिसमें बाकायदे तौर पर कॉटन को कास्ट किया जाता था उसको इंडस्ट्री के तौर पर लिया जाता डोमेस्टिक इंडस्ट्री के तौर पर लिया जाता था और उसकी आ, कपड़े को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था कुछ तीन सा हज़ार साल पहले आ, इंडिया की जो मेजर एक्सपोर्ट थी इंडियन रीजन की दैट वाज कॉटन फैब्रिक जिसका फ़ायदा बाद में आ, पहले मुगल्स ने और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी उठाया तो जब जिस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई तो दुनिया के तकरीबन 25 फ़ीसद आ, इंडिया की जो मेजर एक्सपोर्ट थी उसका पच्चीस फीसद जो है वो टेक्सटाइल या कपड़ा था यहाँ पर टेक्सटाइल ने बहुत ग्रो किया जो मशहूर मशहूर फैब्रिक्स हैं वो उनके नाम मैंने यहाँ लिखे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियन ओरिजिन का सबसे मशहूर फैब्रिक जो है वो है ये कुछ आ, वे, समर वेयर का है कुछ इस तरह का नज़र आता है यहाँ से मोस्ट लेफ्ट पे शो किया मैंने और बनारसी या बनारसी सिल्क जो है हमें उसके ऊपर एक वेरी ऑर्नमेंटेटेड फैब्रिक जो है वो इस्तेमाल किया जाता है नज़र आता है चिकन कारी या चिकन भी बोल देते हैं आम फैम में ये भी यहाँ की ईजाद है एंड संबलपुरी uh, या इसको पूरी या इक्कत कहते हैं इसको इक्कत का इस्तेमाल भी यहाँ से ही फेमस है और पश्मीना जो कि कश्मीर का बना हुआ शॉल्स के तौर पर इस्तेमाल होता है गरला वूलन फैब्रिक है वो भी यहाँ की एग्जांपल्स हैं तो वीविंग जो है वो आ, हमारे रीजन में बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुई है और बहुत सारी तरह की काटन के जो वैराइटीज़ हैं वो यहाँ डेवलप की गई हैं और मशहूर हुई हैं इलाकों में राइट साइड पर आप देख सकते हैं कि जो कन, जो कन्वेन्शनल वेयर है खातान का या मरदाना वो भी कॉटन का बना हुआ इस्तेमाल किया जाता था इस रीजन में तो दुनिया में जो इतनी भी एक्सपोर्ट की जाती थी इन तीन हज़ार साल में वो दुनिया में तमाम दुनिया को काटन फैब्रिक जो है वो यहाँ सब कॉन्टिनेंट से प्रोवाइड किया जाता था तो यह है छोटा चो, सा रिव्यू आ, वीविंग की तारीख का आगे चलते हैं अब हम बात करेंगे कि वीविंग में क्या कुछ मुमकिन है या वीविंग के दायरे में क्या क्या चीजें आती हैं तो स्कोप ऑफ वीविंग के बारे में बात करेंगे हम डियर स्टूडेंट्स मैं आपसे कोई इन्वॉल्व करना चाहता हूँ अपने इस लेक्चर में तो अगर आप देखें ये दो इमेज़ मैंने आपके सामने रखे हैं ऑन द लेफ्ट यू कैन सी अ मैन वेयरिंग अ जैकेट इट्स इट इज़ सपोज टू बी एयर ब्लॉकिंग जैकेट यानी कि ये पहनने के बाद आप तेज़ ब्रेंड के अंदर जा सकते हैं और आपकी बॉडी को हवा नहीं लगेगी तो आप फैब्रिक को इस तरह का बना सकते हैं वुमन फैब्रिक या इतनी ज़्यादा वैरायटी है इसके अंदर वोवन फैब्रिक के स्ट्रक्चर के अंदर इसको बनाने में कि एक तरफ तो आप ऐसे फैब्रिक बना सकते हैं जो इंतहाई ज़रा टाइट बनाए जाएँ और उनमें कोई सुराख ना हो जिसकी वजह से वो हवा को रोकने का बास बने और दूसरी तरफ समर में ऐसे फैब्रिक भी वोवन ही बनाए जाते हैं जो इंतहाई बारीक होते हैं और जो बहुत ज़रा हवादार होते हैं जो इंसान को सख्त गर्मी में भी अपनी हाइट प्रोवाइड करते हैं फैब्रिक का गारमेंट्स का काम करते हैं एज वेल एज वो एयर वेंटिलेटिंग भी होते हैं तो एक ही वक़्त में वीविंग कैन प्रोवाइड योर वेरी टाइट फैब्रिक्स इवन एयर कैन नॉट पास थ्रू दैम और वी कैन मेक सच फैब्रिक दैट आर वेरी ओपन वेरी वेंटिलेटिंग वेरी एरी और जो कि समर में इस्तेमाल कर सकते हैं और जो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर दी ह्यूमन कम्फर्ट अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेके आया अगेन ये विविंग का स्कोप बाजे करने के लिए ऑन द लेफ्ट आप देख सकते हैं कि ये किचन नैपकिन हैं पानी को सोक करने के लिए या पानी को वाइप करने के लिए इस्तेमाल होते हैं इनको ऐसे बनाया जाता है कि इनके तो छोटे छोटे मसाम होते हैं और ये मसाम जो है पानी को अब्ज़ॉर्व कर लेते हैं और इस तरह से आप किसी जगह को खुश कर सकते हैं साफ कर सकते हैं लेकिन उसकी दूसरी तरफ देखें अगर आप तो ऐसे फैब्रिक बनाना भी वीविंग से ही मुमकिन है जो कि पानी को धकेलने के लिए रिपेल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं या आपकी जो अम्ब्रेला होती है छतरी होती है ये आ, खास तरह के सिंथेटिक मटेरियल से बनी हुई होती है जो पानी को अपने अंदर घुसने नहीं देती और आपको शेल्टर प्रोवाइड करती है बारिश में तो ये बिल्कुल दो कंट्रास्ट एग्ज़ैम्पल्स हैं एक तरफ तो आप कपड़े में धागे धागे में या कपड़े में सुराखों में सराखों में पानी को समा रहे हैं और दूसरी तरफ उनको धकेल रहे हैं तो दोनों चीज़ें वीविंग से ही मुमकिन है तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अपोज़िट चीज़ें जो है वो पर्पस जो है वो वीविंग से अचीव किया जा सकता है यहाँ आपको एक होस पाइप दिखाया गया बेसिकली ये कपड़े का बना हुआ पाइप होता है जो कि एक जगह से दूसरी जगह पानी को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होता है अगेन इसमें अगर गौर करें तो पानी एक जगह से एंटर होता है और दूसरी तरफ से निकलता है और दरमियान में इसके कपड़े की साख इस तरह से बनाई गई होती है कि जब पानी इसमें जाता है तो पानी इसके पाइप के सराखों को मसामों को भर देता है और कपड़ा बिल्कुल टाइट हो जाता है इतना टाइट हो जाता है कि वहाँ से पानी के बाहर निकलने का जो आ, मौका है या जो उसके चांसेस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं तो पानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए आ, होस पाइप्स जो हैं वो ओवन भी बनाए जा सकते हैं और उसके मुकाबले में देखें ये आपके पास फिल्टर्स हैं ये वोवन हो सकते हैं और इससे हम लोग सिर्फ़ चंद तरह की इम्प्योरिटीज़ को गंदले पानी को जिसमें कसाफ़त हो ऐसी मोटी चीज़ें हों उनको हम लोग बड़ी आसानी से पानी से अलग कर सकते हैं तो उसको इस्तेमाल करते हुए हम लोग अपनी बहुत क़सीफ चीज़ें या ऐसी इंप्योरिटीज़ जो पानी में शामिल हों उनको हम लोग बड़ी आसानी से सेपरेट कर सकते हैं तो अगेन यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ही वक़्त में हम लोग पानी को बिल्कुल रोक रहे हैं और एक ही में हम लोग पानी को उसका कंट्रोल्ड इनखला कर रहे हैं उसमें से कुछ चीज़ों को कुछ पानी को गुजरने दे रहे हैं और बाकी चीज़ों को रोक रहे हैं एज ए फिल्टर के तौर पर तो ये वीविंग की ही ये सारी स्कोप है कि आप बहुत सारे तरह के काम जो है कपड़े को साख्त और उसके खुशियात को इसे कंट्रोल कर सकते हैं कि मुख्तफ़ चीज़ें आप उनसे बना सकते हैं यहाँ इस स्लाइड के ऊपर मैंने आपकी मज़ीद इस स्कोप को वाजे करने की कोशिश की है अगर आप वोवन फैब्रिक्स को देखें तो इनको इसका जो इस्तेमाल है जो फैब्रिक मुख्तफ जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं इनको मोटे मोटे बहुत सारे तरह के कैटेगरीज़ में उनकी बहुत तरह से बहुत तरह के स्ट्रक्चर में इसको बांटा जा सकता है सबसे मशहूर फैब्रिक्स जो हम लोग आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं उन्हें पैरल्स कहते हैं जो हम पहनने के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनमें शर्ट्स पैंट्स स्कर्ट्स हौजरी यानीटे से पहनने वाले कपड़े जो हैं इसके अलावा टाइज कोट्स कैप्स हैट्स और मैनी अदर टाइप्स ऑफ जो पैरा है जो हम लोग बहरा जिसम पर पहनते हैं उनका हम लोग उनको हम लोग वोम फैब्रिक से बना सकते हैं सिमिलरली खास तरह के मौक़ों पर पहने जाने वाले कपड़े में से एक एग्ज़ाम्पल स्पोर्ट्स वेयर की है जैसे जैकेट्स ट्राउजर्स शर्ट्स स्विम वेयर एक्टिव वेयर्स एक्टिव वेयर्स कहते हैं जो बाघ में दौड़ने के लिए पसीना चूसने के लिए कपड़े आप इस्तेमाल करते हैं एक्टिव वेयर कहते हैं जब भागने दौड़ने के लिए पसीना चूसने के लिए आप लोग आप लोग फैब्रिक गारमेंट्स इस्तेमाल करते हैं तो वो वोवन फैब्रिक से बनाए जा सकते हैं अगर हम लोग देखें वोवन फैब्रिक्स कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं होम टेक्सटाइल्स तो में तो घर में बनी हुई बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वोवन फैब्रिक से बनाई जाती हैं जैसे कर्टन्स ड्रप्रीज सोफ़ाज अपोल्ट्री फैब्रिक जो आपके जो भी कुशन या तकिया या सोफा या किसी तरह की जो फ़र्नीचर uh, है उसमें उसकी सजावट के लिए हम कपड़ा इस्तेमाल करते हैं पोलस्ट्री फैब्रिक कहते हैं उसे इसी तरह से बेडशीट्स बेड कवर्स टावल्स तकिए कपड़े टेबल पे डालने वाले कपड़े नेपकिनस किचन में बहुत सारे तरह के कपड़े इस्तेमाल किए जा सकते हैं तो ये इस तरह से होम टेक्सटाइल की एक लंबी लिस्ट है जो हम लोग वो फैब्रिक से बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम पैकिंग देखें तो जितने बैग्स होते हैं या हैंड बैग्स होते हैं या बैग पैग्स होते हैं या सूट केस होते हैं या इसके अलावा जो पैकिंग मटेरियल्स हैं दैट कैन बी मेड अप ऑफ वमन फैब्रिक्स अगर हम लोग मेडिकल टेक्सटाइल्स में देखें मेडिकल और हाइजीन में टेक्सटाइल में देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मेडिकल में इस्तेमाल होती हैं जैसे बैंडेज़ हैं पट्टियाँ मेडिकल रैप्स हैं ऐसी पट्टियाँ जो कि हम कपड़ों जिसम के गिरद लपेटते हैं गाउनस होते हैं डॉक्टर पहनसते हैं या ग्लव्स दस्ताने कैप्स जो कि हम लोग ऑपरेशन थिएटर में या किसी और मजबूरी में बालों से जरासीम को रोकने के लिए पहनते हैं कि फुटवेयर हो सकते हैं जो हम लोग कपड़े इस्तेमाल करें ऐसे फुटवेयर जो हम पाँव में पहनने वाली कोई चीज़ें इस्तेमाल करें जो कि मेडिकल नीड की हो तो वो भी इसी चीज़ में आएगी इसी तरह से फुटवेयर जो हैं जैसे जो जूतों बनाने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं बहुत सारे फैब्रिक्स किए जा सकते हैं जिनमें लेसिस हो सकते हैं लाइनिंग्स हो सकती हैं जूते की उसके अलावा ऐसे मटेरियल हो सकते हैं जो कि कपड़े और दूसरी चीज़ों से प्लास्टिक से पॉलीमर से मिल के बनाए जाएँ जिन्हें कंपोजिट्स कहते हैं वो फुटवेयर में इस्तेमाल होते हैं वो भी एक एग्ज़ाम्पल है वुवन फैब्रिक्स की इंडस्ट्री में लातदाद इस्तेमाल है वुवन फैब्रिक्स का चंद एक चीज़ें जैसे टेंट्स सिल्क क्लॉथ कश्तियों बाथ बान जो होते हैं वो सिल्क क्लॉथ इस तरह से जैसे मैंने होस पाइप्स दिखाया आपको फ़िल्टर् हो सकते हैं और इसके अलावा और बहुत सारी तरह के फैब्रिक्स जो हैं वो हम लोग इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं अंडर द स्कोप ऑफ विविंग तो ये चंद एक चीज़ें मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन की हैं आप देख सकते हैं कि बहुत सारे और इस्तेमाल मुमकिन हैं जो कि विविंग के, के अंडर आते हैं वो फैब्रिक्स के प्रोडक्ट के तौर पर होते हैं तो विविंग की बहुत बड़ी रेंज है जो कि जो कवर करती है ये टेक्नोलॉजी हमने चंद एक का जिक्र किया है तो यहाँ पर ये स्कोप की आखिरी स्लाइड है यहाँ मैं ये बात जो है फाइनल करना चाहता हूँ तो जो वोवन प्रोडक्ट्स होते हैं वो जनरली दो तरह के धागों से बनते हैं दो तरह के धागों से बनते हैं एक को हम लोग ताने के धागे और एक को बाने के धागे यानी वाप्स और वेफ्ट कहते हैं तो कपड़े में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आती हैं बराह रास्त जो प्रॉपर्टीज़ आती हैं वो बरह रास्त प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इसके उन धागों की खसूसियात पर डिपेंड करती हैं कि धागे किस तरह के हमने इस्तेमाल किए हैं अगर हमारे पास जो खसूसियात हमारे धागों में होंगी वही खसूसियात या उन जैसी खसूसियात को हम लोग कपड़े के अंदर देख सकते हैं मिसाल के तौर पर अगर आपके वेफ्ट के धागे बाने के धागे सुरख रंग के हैं तो आपके कपड़े में सुरख रंग उन धागों की वजह से आ जाएगा या अगर अगर आपके कुछ धागे बहुत सख्त हैं या अकड़े हुए रहते हैं जैसे ग्लास फाइबर हो सकता है तो आपके कपड़े में भी अकड़ाहट उन धागों के डालने की वजह से इस्तेमाल करने की वजह से आ जाएगी तो कपड़े में जो बरह रूसियात होती हैं वो उनके धागों की वजह से आती हैं कपड़े में इस्तेमाल होने वाले धागों की वजह से आती हैं दैन इसके अलावा जो हमारे वोवन फैब्रिक्स होते हैं अगर हम आम तौर पर बात करें तो वो उनकी जो उनकी जो साख्त होती है उनकी जो बनावट होती है वो ऐसी होती है कि वो डायमेंशनली स्टेबल होते हैं यानी कि उनकी लंबाई और चौड़ाई आराम से बदलती नहीं है अगर एक मीटर मीटर कपड़ा है तो वो एक मीटर है तो ही रहेगा नहीं कि उसको खेंच के लंबा कर लें या 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 उसको या वो छोटा हो जाए बाद में तो स्टेबल होते हैं अपनी शकल, अपनी लंबाई चौड़ाई आमतौर पर एक रखते हैं बदलते नहीं है फैब्रिक्स जो होते हैं, वो से वो हो हैं, या अगर उन पर डाला जाए तो वो सुख सकते हैं तो ये ऐसी या इनके लटकने का अंदाज़ हैंगिंग पावर जिसे कहते हैं हैंगिंग प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं ये बहुत बेहतर होती है इनकी जिसकी वजह से हमें ऐसे कपड़े जहाँ पर हमें लटकाने की ज़रूरत पड़े जिनकी हैंग या फॉल उनकी हमें ज़रूरत पड़े उनकी जैसे तो कर्टन होते हैं या फ्रॉक्स होते हैं या शॉल्स होती हैं तो वो वोवन फैब्रिक के बहुत अच्छे बनाए जा सकते हैं आमतौर पर वोवन फैब्रिक अकड़े हुए नहीं रहते हैं या इनमें ऐसा होता है कि जो सिल्वर टैब वो तैरती है अगर आप एक किनारे से इसको हरकत दें तो वो हरकत दूसरी तरफ जाती हुई नज़र आएगी आपको तो उनकी फॉल जो है या लहराने का जो अंदाज़ है उसके लटकने का जो अंदाज़ है वो बाकी कपड़ों से बहुत बेहतर होता है तो ड्रेप जहाँ पर चाहिए हो वहाँ वोवन फैब्रिक को बड़ी अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है उसके अलावा वुवन वो, फैब्रिक एक दूसरे के साथ इंटरलेस होने की वजह से बहुत स्ट्रॉग होते हैं तो वुवन फैब्रिक जो है इनकी सर्विस लाइफ बहुत लंबी होती है ये कपड़ा लंबे अरसे तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो इनकी मजबूती होती है ये ज़रा जल्दी ख़राब नहीं होते तो स्ट्रॉग होते हैं जो वोवन वो फ़ैब्रिक्स होते हैं अगर हम कपड़ों के रंगों की बात करें तो या तो धागों के अपने रंग हो सकते हैं जिसे हम यान डाइट फैब्रिक कहते हैं या हम ऐसा हो सकता है कि कपड़े को बनाने के बाद डाई किया जाए या तीसरा तरीका इनको रंगने का ये हो सकता है कि कपड़ों को बनाने के बाद इनके ऊपर प्रिंटिंग की जाए निशान इनके ऊपर कलर की सही का निशान सही के निशान से इनके ऊपर फिगर्स या मुख्त तरह के अशिकाल बना दें तो इसे प्रिंटिंग कहते हैं उसको तो प्रिंटिंग डाइंग या यान डाइड धागे जो हैं कपड़े में कलर का बायस बनते हैं तो इनका कलर का एलिमेंट हम लोग यहाँ से कंट्रोल करेंगे इसी तरह से हमारे जो वुवन फैब्रिक्स होते हैं उनमें हम बहुत सारी तरह की खसूसियात डाल सकते हैं आ, इन खसूसियात डालने के अवल को हम फिनिशिंग कहते हैं तो कपड़े को जब फिनिश किया जाता है तो हम कपड़े के अंदर बहुत सारी ऐसी खसूसियात डाल है सकते हैं जिनको हम या कपड़े को केमिकली उसमें तब्दीली ले आते हैं या फिज़िकली उसमें तब्दीली ले आते हैं तो उनसे क्या होता है कि कपड़ा हमारे उस तरह के खवास उस तरह की प्रॉपर्टीज़ उसमें आ जाती हैं जो हमें चाहिए हों एक दो एग्ज़ाम्पल्स यहाँ मैंने लिखी हैं मिसाल के तौर पर अगर कपड़े को रेज़ कर दिया जाए उस पर ब्रशिंग कर दी जाए इसके ऊपर तो उससे क्या होता है कि कपड़े के जो रेशे हैं वो बाहर निकल आते हैं और उसकी जो सतह है वो हम वाह रहने की बजाय नरम नरम सी हो जाती है और वो सॉफ्ट फील होती है उसकी और आमतौर पर समर वेयर्स बेर, में ऐसे कपड़े सॉरी सो, विंटर वेयर्स में ऐसे कपड़े ज़्यादा आरामदेह होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है सिंजिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम कपड़े की सरफेस पे आग लगाते हैं और इससे सिर्फ छोटे छोटे जो फाइबर्स बाल की तरह बाहर निकले हुए होते हैं उनको वो जला देते हैं उससे क्या होता है कि इसकी सरफेस बहुत ज़्यादा क्लियर और क्रिस्प हो जाती है यानी कि बहुत ज़्यादा वाजे और उसकी एक ख़ास तरह की फ़ील बन जाती है क्रिसपी और क्रिस्पर फील बन जाती है तो हमें जो सिंजिंग जो है वो प्रिंटिंग से पहले आमतौर तो पर करते हैं तो उस तरह के कपड़े में डाई जॉब करना और कपड़े की जो सतह है वो बहुत ज़्यादा वाजे हो जाती है मरचराइजेशन एक आम प्रोसेस है फिनिशिंग का जिससे क्या होता है कि कपड़ा के धागे फूल जाते हैं और रेशे फूलने की वजह से क्या होता है कि उनमें डाई जो है ज़रा अच्छी तरह से जा सकती है ज़रा गहरे रंग आ सकते हैं और उसकी वजह से धागे मोटे होने की वजह से उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और उनमें चमक बढ़ जाती है तो इस तरह से आप हाँ बहुत कपड़ों को वो वन फैब्रिक्स के वो बहुत सारी तरीकों से इनकी खबाइश को इनकी खसूसियात को बढ़ा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढाल सकते हैं तो ये था स्कोप ऑफ वीविंग। अब हम बात करते हैं कि एक वीव एक टेक्सटाइल डिजाइनर को वीविंग की या की क्या ज़रूरत पड़ती है या इसका, उसका इसका क्या ताल्लुक है आ, वो जो टेक्सटाइल डिजाइनर्स होते हैं जो आमतौर पर उनका काम जो एक ख्याली एक ख्याल है एक जो आइडिया है उसको आ, अमली शक्ल में कपड़े ढालना उनका काम होता है तो जो आइडियाज़ हैं वो आमतौर पर डिज़ाइन की फॉर्म में कैड की फॉर्म में या किसी कलस, किसी अलस्ट्रेशन की फॉर्म में बोर्ड के ऊपर या किसी सॉफ्टवेयर में उनके पास पहले से मौजूद होते हैं या क्रिएट करते हैं अब ये डिज़ाइन आइडियाज़ उनको अल्टीमेटली कपड़े में ढालने होते हैं तो इस लिहाज से जो वन फैब्रिक है वो टेक्सटाइल डिज़ाइनर के लिए एक तरह के एक मीडियम का, का काम करता है एक मीडिया का, का काम करता है कि उसका उसकी सोच या उसको जो आइडिया जो उसने सोचा है उसको लोगों को वाज़ करने के लिए कि वो क्या सोचता है या क्या ख्याल करता है वो अल्टीमेटली उसको कपड़े पे ढालता है तो कपड़ा जो है वो फैब्रिक जो है वो एक तरह का उसका मीडिया है जिस पे वो अपना डिज़ाइन रिफ्लेक्ट कर सकता है उस पर ढाल सकता है और मीडियम उसके निटिड फैब्रिक हो सकता है या एम्ब्रॉयडरी के ज़रिए से वो लिस्ट्रेशन कर सकता है या इसके अलावा और तरीक़ेकार भी मुमकिन हो सकते हैं लेकिन वोवन फैब्रिक टेक्सटाइल डिज़ाइनर के लिए एक रे का शक्ल है कि वो जो उसने सोचा या ख्याल किया है वो लो, लोगों तक किस तरह से पहुँचेगा तो टेक्सटाइल डिज़ाइनर के लिए वीविंग और वोवन प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि वो कामयाबी से अपना वो ख़्याल या वो डिज़ाइन जो उसने सोचा है उसको सही फॉर्म में सही शक्ल में अपनी पूरी पूरा जो उसका जो कॉन्सेप्ट है पूरा जो ख़्याल है वो अच्छी तरह से कपड़े में ढाल सके और उसमें कोई कमी या कोई आ, ऐसी चीज़ ना रह जाए कि जिससे वो अप, वो अनडिज़ायर चीज़ हो उसको वो चाहिए ना हो और वो कपड़े में वो नज़र आए मिसाल के तौर पर अगर किसी ने चेक फैब्रिक बनाना है तो उसको उसका आइडिया या उसका ख्याल वो किसी भी ग्राफिक प्रोग्राम में बना सकता है लेकिन जब तक वो वोन फैब्रिक को नहीं समझेगा या उसकी ज़रूरियात या उसके बनने के प्रोसेस को नहीं समझेगा वो इस टेक फैब्रिक को आखिरी कपड़े तक पहुँचाने में उस तरह से कामयाब नहीं हो सकता जैसा वो कपड़े को या कपड़े के बनाने के प्रोसेस को अच्छी तरह समझे और फिर वो उसको ज़्यादा मचोरली ज़्यादा शौरी तौर पर उस चीज़ को ढाल सकता है कपड़े की शक्ल में तो वीविंग जो है वो टेक्सटाइल डिज़ाइनर के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि वो इसको समझे और अपने आइडिया को प्रॉपर तरीके से एंड प्रोडक्ट में डाल सकें अभी सब्जेक्ट को फॉलो करने के लिए दो और बुक्स मैं रिकमेंड करूँगा ये बुक्स वोवन टेक्सटाइल डिज़ाइन एंड मास्टरिंग वीव स्ट्रक्चर्स ये बुनियादी तौर पर टेक्सटाइल डिजाइनर के लिए बनाई गई बुक्स हैं जो वीविंग के मतलब हैं जिसमें हैंडलूम के इस्तेमाल से डिफरेंट तरह के वो स्ट्रक्चर्स को कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा कैसे तरीका का, कौन कौन से स्ट्रक्चर मुमकिन हो सकते हैं वो ज़ाहरी शक्ल और सूरत में किस तरह के नज़र आते हैं और उनको बनाने के लिए कौन कौन से तरीक़ेकार फॉलो किए जाएंगे, इन इन कुत्तब में बड़ी डिटेल से सारे प्रोसेस को बताया गया है तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ये दोनों कुतब अपने पास रख लें और इनको पढ़ें तो ये आपके तमाम डिग्री के अंदर बहुत फ़ायदेमंद होगी आपको आ, ये आपके आइडियाज़ को वीविंग के कॉन्सेप्ट कैसे क्रिएट किए जाते हैं और उन आइडियाज़ को डिज़ाइन के से इंस्पायर होकर कपड़े में कैसे ढाला जा सकता है ये किताब आपके लिए बहुत ज़रूरी है मैं कह चाहूँगा कि आप ये दोनों किताब का मताला ज़रूर करें हम लोग इसी में से मुख्त अहतसाव लेकर अपने कोर्स को जारी रखेंगे मैं वक्ता फ़वता आपसे वीडियो शेयर करता रहूँगा फिल वक्त वीविंग वीविंग इंट्रोडक्शन के नाम से मैंने एक वीविंग लिस्ट एक वीडियो लिस्ट बनाई है वीडियो प्लेइंग लिस्ट या प्लेलिस्ट बनाई है ये लिस्ट आप इस कोड को स्कैन करके यूट्यूब पे प्ले कर सकते हैं या उसका जो लिंक है वो यहाँ मैंने दर्ज कर दिया है आप ये नोट कर सकते हैं और इसको चला सकते हैं आसान तरीका है कि आप ये कोड क्यू कोड स्कैन करें और आपके पास मोबाइल फ़ोन में उसका लिंक आ जाएगा वो चला सकते हैं Uh, मैं आपसे अपने चैनल का एड्रेस शेयर कर दूंगा और वहाँ पर आप वो चैनल में ये लिस्ट बनी हुई है वहाँ से आप जाके देख सकते हैं फिल वक्त आप लोग इस कोड को स्कैन कर सकते हैं और यूट्यूब पे अपनी वो वीडियो चला सकते हैं इसके अलावा मैं वक्ता फवता आपको कुछ वेबसाइट्स रिकमेंड करता रहूँगा आज के लिए मैंने आपके इंट्रोडक्शन के लिए आपके उनको इन्वॉल्व करने के लिए कोर्स के अंदर एक वेबसाइट रखी है इसका नाम है टाटा ये कोड आप स्कैन करके बर रास्त पर मोबाइल फ़ोन से भी जा सकते हैं वैसे वो कुछ उसकी वेबसाइट की शक्ल है कुछ इस तरह की नज़र आएगी इसमें बहुत तरह से तरह के शक फैब्रिक्स आप लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं उनको सेव कर सकते हैं और उसका कपड़े का जो इमेज है स्वाच का जो इमेज है अपने पास महफूज कर सकते हैं जो लोगों ने पहले बनाए हैं वो भी आप गैलरी में जा कर देख सकते हैं बेसिकली यहाँ आप मुख्य तरह के धागे ऐड कर सकते हैं उनकी मोटाई और रंग बदल सकते हैं और उसका जो इजहार है यहाँ पर हो जाएगा कि किस तरह का नज़र आएगा वाप व अपन बेफ्ट वही पैटर्न इस्तेमाल अगर किया जाए तो किस तरह का नजर आएगा ये था जनाब आज का लेक्चर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बातों की समझ आई होगी हम लोग मज़ीद इसको ले चलेंगे आगे आपको कोई क्वेश्चन हो तो हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है आप वहाँ कर सकते हैं जब ये लेक्चर आप ले लें तो इसको अटेंड कर लें तो काइंडली इसके बारे में मुझे बता रहे हैं ताकि मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर दूँ थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में السلام عليكم